नमस्कार, मैं रितिका तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18। आज हमारे साथ मौजूद हैं पैरा एशियन कैनॉन गेम की प्लेयर, जिन्होंने अभी हाल ही में एक मैच जीता है और अब वो इंटरनेशनल खेलने जर्मनी जाने वाली है। तो चलिए बात करते हैं रजनी झा जी से और जानते हैं कि उन्होंने कैनॉन कब से खेलना शुरू किया और उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही। नमस्कार मैम। नमस्कार। आप जैसे कैनॉन खेलती है तो आपको खेलते हुए कितना साल हुआ? मैंने 2018 में मैंने कैनोइंग शुरू किया था भोपाल में छोटे तालाब पे, और मयंक ठाकुर सर मेरे कोच हैं, उन्हीं के अंडर में मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ। और रिसेंटली मैंने अभी 2 बार एशियन चैम्पियनशिप मैंने पार्टिसिपेट किया, जिसमें दोनों में मुझे पदक प्राप्त हुए हैं। और उसी के साथ ही मैंने पैरा एशियन गेम्स जो अभी अक्टूबर में चाइना में होने वाले हैं, उसके लिए मैंने क्वालिफाई किया है हिंदुस्तान की तरफ से। और अभी फ़िलहाल मैं 19 तारीख को यहाँ पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप जर्मनी में होने वाली है, उसके लिए मैंने क्वालिफाई किया है, और अभी वहाँ पे मैं हिंदुस्तान को और अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करूँगी। जी, तो जैसे आपको कैनॉन खेलना बहुत पसंद है, तो आपको कैनॉन के पहले आप कोई गेम खेलती थी या फिर आप पिछले 5 साल से बस कैनॉन ही खेल रही हैं? नहीं, मैंने 98-99 में मैंने स्विमिंग ज्वाइन किया था। मैं पैरा स्विमिंग से भी इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ, और उसके साथ ही मैंने अभी 22-23 साल मुझे स्विमिंग करते भी हो गया है, और 2018 से मैंने ये नया गेम जो मुझे कैनोइंग पता चला था, तो मैंने इसमें भी अपना हाथ आजमाने की कोशिश की थी, जिसमें मुझे सफलता मिली है। और बड़े लोगों के आशीर्वाद से, मेरे कोच के साथ से और मेरे डिपार्टमेंट के सपोर्ट से मैं अभी आगे बढ़ रही हूँ। जी, तो जैसे अभी आप खेलने जाने वाली हैं इंटरनेशनल, तो इसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? अभी हमारा टारगेट एशियन गेम्स है बेसिकली, और ये जो हमारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, ये एशियन गेम्स के लिए हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कह सकते हैं कि ये उसी का एक कंपटीशन का एक ज़रिया है कि हमारी कितनी प्रिपरेशन अभी मेरी आगे और करनी है या हमने कितनी की है। तो ये जो कंपटीशन है वो सिर्फ हम अपना टारगेट देखने के लिए कर रहे हैं कि हम एशियन गेम्स में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप है तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, और ये पैरालंपिक का भी क्वालिफाइंग राउंड है। तो कोशिश है कि अगर आगे हम क्वालिफाई करते हैं तो आगे हमारा 2024 जो ओलंपिक होने वाला है पेरिस में, उसके लिए भी हम आगे क्वालिफाई करें। तो जैसे आपको गेम खेलने में, जब आप इतने बड़े मुकाम तक आने में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे, तो क्या क्या रहे हैं आपके चैलेंजेस? चैलेंजेस तो देखिए, जब पोलियो हुआ था मुझे, जब मैं 1 साल की थी तब मुझे पोलियो हुआ था, तो चैलेंजेस तो वहीं से शुरू हो गए थे। गेम में आने के बाद मुझे लगता है कि हमारे चैलेंजेस, ओ मैं अगर देखूं तो उस नज़रिए से बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि गेम में आने के बाद हमें हमारा जो स्टैंड पता चलता है सोसाइटी में, और सोसाइटी के लोग जो हमें जिस नज़रिए से देखते हैं कि भाई आपको तकलीफ़ है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, ऊपर से आप लड़की हैं, आपके लिए ये बाहर जाना आना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें मेरे साथ ज़्यादा हुई थी। बट थैंक्स टू माई मदर एंड फादर, उन्होंने कभी किसी की नहीं सुनी कि मतलब वो क्या बोल रहे हैं लोग। उन्होंने सिर्फ मुझे एक चीज़ बोली कि आपको जो आप लाइफ में करना चाहते हैं आप वो कीजिए, उसके लिए वो सपोर्ट में मेरे हमेशा खड़े रहे। मेरे कोचेस का साथ मुझे इतना अच्छा मिला, मेरे कलीग्स मुझे बहुत अच्छे मिले, मेरे जूनियर सब जूनियर, इवन कॉलेज में मुझे बहुत सपोर्ट मिला। डिपार्टमेंट में मैंने जॉब ज्वाइन किया तो मुझे वहाँ भी, मैंने कभी मुझे जॉब के लिए या काम के लिए मुझे फोर्स नहीं किया गया कि आपको इस टाइम पे ऑफिस आना है या इस टाइम पे। मेरा प्रैक्टिस ऐसा हो जाता है कि कई बार मैं 1 बजे ऑफिस पहुँचती हूँ और 3 बजे 4 बजे में निकल जाती हूँ। तो इस तरीके से मुझे लोग बहुत अच्छे मिले, मुझे माहौल बहुत अच्छा मिला कि मुझे कभी इस टाइप का जो प्रॉब्लम है वो मुझे फेस नहीं करना पड़ा। जी, अच्छा, जैसे अभी आप काम भी करती हैं आरटीओ में, इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी होती होगी, तो आप दोनों चीज़ें कैसे एक साथ मैनेज कर पाती हैं? देखिए, अभी हम उस मुकाम पर आ गए हैं कि हम घर वालों से पैसे नहीं मांग सकते, ठीक है, तो हमको वो सारी चीज़ें करनी होती हैं। मैं सुबह ही सारी प्रिपरेशन अपने घर में, मैं भोपाल में रेंट पे रहती हूँ, अकेले रहती हूँ, और मैं यहीं पे सुबह जब उठती हूँ तो मैं मेरा ब्रेकफास्ट, मैं मेरा लंच सब प्रिपेयर करके आती हूँ, फिर सुबह प्रैक्टिस जाती हूँ, प्रैक्टिस से सीधे मैं ऑफिस आती हूँ, देन ऑफिस से मैं सीधे प्रैक्टिस जाती हूँ, और 7:30-8:30 के आसपास मैं घर पहुँचती हूँ। तो वो एक लाइफ का एक फेज़ सा हो गया है कि हाँ भाई ये काम आपको करना ही है। इवन मैं ये जानती हूँ कि
मैं अभी इस मुकाम पर हूँ तो शायद मुझे लग रहा है कि मेरे लिए ये चैलेंजिंग है, बट हर किसी की लाइफ में अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, तो उस चीज़ को लेके आप निराश होके या थक के बैठने से तो कुछ होगा नहीं। तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि भाई हम जितना अपने आप को अपने बॉडी को जितना यूज़ कर सकते हैं, मेरी प्रॉब्लम के साथ मैं अगर इतना काम कर सकती तो ऑब्वियसली बात है भाई नॉर्मल लोग तो मेरे से अच्छा कर सकते हैं जी। तो जैसे आपके परिवार का, आपके डिपार्टमेंट का, साथ ही सरकार का आपको कितना समर्थन मिल रहा है? अभी मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। मेरी फैमिली ने अगर मुझे यहाँ भेज दिया है, अकेले मैं यहाँ रह रही हूँ, तो वो उनका ट्रस्ट है मेरे ऊपर कि मैं आगे कुछ कर रही हूँ। डिपार्टमेंट मेरे लिए एक तरीके से सिर्फ ये है कि मेरे नाम की मेरी जॉब है कि मैं सिर्फ जॉब कर रही हूँ। डिपार्टमेंट से मुझे फुल सपोर्ट है कि मैं मुझे कोई किसी भी तरीके का हेडेक नहीं। अगर मैं नहीं भी आ पाती हूँ ऑफिस तो मुझे कभी किसी ने ही फ़ोन करके ये नहीं बोला कि आप ऑफिस नहीं आ रहे हैं, क्या है, क्या क्यों नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं। और गवर्नमेंट का ऐसा हो गया है कि गवर्नमेंट अब हमको बहुत अच्छे से सपोर्ट करने लगी है। हमारा बाहर जाने का खर्चा, हमारा गेम का खर्चा, बहुत सारी चीज़ें वो सब कुछ हमको प्रोवाइड कर रही है जैसे पहले नहीं होता था, बट अब गवर्नमेंट भी हमको बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। तो इन सब चीज़ों में मुझे लगता है कि आगे चल के गेम को लेके जो मध्य प्रदेश सरकार की जो स्ट्रैटेजी है, अभी काफ़ी हद तक उन्होंने बहुत, मोदी सरकार ने बहुत बढ़ावा दिया है, तो गेम को लेके आगे कुछ सालों में आप देखिएगा कि वो किसी भी, मुझे नहीं लगता कि किसी भी खिलाड़ी को फाइनेंशियली कोई तकलीफ होने वाली है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और